अपने क्षेत्र की खबर जानने के लिए हमारे YouTube चैनल गांव तक को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन बटन को दबाएं। ग्राम रोशनी में 7 दिवसीय रुद्राक्ष शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। रुद्राक्ष शिव महापुराण के 6वें दिन प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह कथा पंडाल में पहुंचे। उन्होंने इस दौरान व्यासपीठ पर पूजा कर व्यासपीठ पर विराजमान पंडित श्री आशीषानंद जी महाराज का माला से स्वागत किया। इसके साथ ही डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने इस दौरान संबोधित करते हुए कहा कि संत समाज केवल श्रीमद् भागवत पुराण और शिव महापुराण ही नहीं करते, बल्कि संत समाज समाज सुधार का भी काम करते हैं। मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए ताकि उसका जीवन सार्थक हो सके। उन्होंने कहा कि जीवन में इस संसार से कुछ नहीं जाएगा, जो व्यक्ति जैसा आया है वैसा ही जाएगा। इसलिए मनुष्य जीवन में प्रत्येक मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए। इस दौरान मध्य प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह के वर्षगांठ के अवसर पर व्यासपीठ पर विराजमान महाराज ने डॉक्टर कुंवर विजय शाह एवं श्रीमती भावना शाह को बधाई दी। उन्होंने उनके भविष्य उज्ज्वल भविष्य की कामना की। रुद्राक्ष शिव महापुराण के 6वें दिन भी अनेक कथाओं को बड़े विस्तार से पूज्य महाराज जी ने व्यासपीठ से सभी श्रोताओं को बड़े भाव से श्रवण कराया। कथा में क्षेत्र के बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। चाहे भगवत कथा हो, चाहे शिव पुराण हो और चाहे दूसरी कथा हो, जिसमें सामाजिक जीवन में अपना जीवन संवारते हुए ईश्वर को याद करते हुए हम अच्छे सत्कर्मों में लगे और सबको ईश्वर अच्छी बुद्धि दे, इसलिए ऐसे संत लोग जो केवल कथा नहीं कर रहे, ये समाज सुधार कर रहे हैं और समाज सुधार ही संत आज की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे संत केवल आपको भगवत ज्ञान ही नहीं दे रहे, ये समाज सुधार का और आपस में भाईचारा से रहने का एक बड़ा संदेश संतों की वाणी से समाज में दे रहे हैं। मैं समझता हूँ वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे संतों की आवश्यकता है जो हम सब लोगों को सही रास्ता दिखाए, ईश्वर की ध्यान नहीं भटके और सही रास्तों पर चलते हुए हम ईश्वर की प्राप्ति करें। आज इस रोशनी के प्रांगण में शिव पुराण के अवसर पर, और चूंकि मेरे जीवन का भी आज महत्वपूर्ण दिन है, आज से 32-33 साल पहले हम लोग पारिवारिक बंधन में बंधे और आज तक निभाते हुए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हिंदू समाज में जो शादियां होती हैं वो जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आज किया और कल छूट गया, और इसलिए हम सब वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद सामाजिक राजनीतिक जवाबदारियों की पूर्ति करते हुए समाज का विकास करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं तो हर बार कहता हूं कि राजनीति हमारे लिए व्यापार व्यवसाय नहीं है, जनता की सेवा का माध्यम है और हम सब मिलके बनते कोशिश सरकार के माध्यम से ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं जिससे हमारे लोगों के चेहरे पर खुशियां आए, उसमें हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। जब हम लोग यहाँ आए थे तो यहाँ तो इसका नाम था रोशनी, लेकिन यहाँ बिजली नहीं थी। आज रोड, बिजली, पानी और सिंचाई के संसाधन हम लोग यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। आने वाले समय में नागपुर से 4 लेन से भी ये रोड जुड़ जाएगा। मैं समझता हूँ हम हमारे तरफ से प्रयासों में कोई कोताही नहीं बरतते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का प्रयास करते हैं। आज पुणे इस यहाँ पर शिव पुराण की कथा के माध्यम से पंडित जी के दर्शन हुए, और मेरा तो ये मानना है कि जहाँ हम लोगों का ये छोटा सा एक आशियाना बना है, ये स्थल और ये अस्थायी घर, ये पंडित जी के रहने से न सिर्फ पवित्र हो गया बल्कि भविष्य में यहाँ छोटे मोटे भूत पिशाच भी अगर होंगे तो वो आज के बाद दिखेंगे भी नहीं। आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।